हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की थियरी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो थियरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर गलती से भी थियरी सच होती है तो आप लोग तो मेरी बैंड बजा ही दोगे, तो मैं स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं थियरी को। तो आप लोगों को पता ही है कि कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टोन्स को रिटर्न लेके जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट में लेके जाने के बाद स्टोन्स को, जब वो सोल स्टोन को रिटर्न करने जाते हैं तो वहाँ पे सोल स्टोन रिटर्न कर देते हैं कैप्टन अमेरिका, और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोल स्टोन को रिटर्न करते हैं तो उसके कुछ मिनट बाद हमें दिखती है नताशा रिटर्न, यानी कि आप लोगों को पता है कि सोल के बदले सोल। तो जैसे ही वो सोल स्टोन कैप्टन अमेरिका रिटर्न करते हैं उसके कुछ ही मिनट बाद आ जाती है, यानी कि जिंदा हो जाती है हमारी नताशा यानी कि ब्लैक विडो। और आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम के बीच में देखा ही होगा, जब थैनोस के साथ फाइट होता है तो थैनोस ने वो टाइम मशीन को पूरा तोड़ दिया था जो कि एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में बना था। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने तोड़ दिया था वो टाइम ट्रैवल वाला मशीन, तो नताशा हमारी रिटर्न नहीं आ सकती है। तो थियरी के अकॉर्डिंग नताशा जिंदा तो हो गई थी सोल स्टोन के बदले, लेकिन वो रिटर्न नहीं आ सकती थी। तो अब वो ट्रैवल करती है अलग अलग प्लैनेट में, यानी कि वॉरमेन पे उसे एक स्पेसशिप मिल गया होगा जिसकी मदद से वो अलग अलग प्लैनेट पे ट्रैवल कर रही होगी। और हमें आने वाली मार्वल की मूवीज़ में, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या फिर थॉर 4 के स्टार्टिंग या फिर एंड में दिखाया जाएगा कि नताशा मिल जाती है थॉर या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की टीम को, ऐसे दिखाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को लाइन से बताता हूँ पोस्ट क्रेडिट सीन की थियरी। तो थियरी के अकॉर्डिंग सोल स्टोन के बदले नताशा जिंदा हो जाती है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम मशीन टूट जाती है तो वो रिटर्न नहीं पहुंच पाती है अर्थ पे। तो उसे एक स्पेसशिप मिलती है वॉरमिर पे, और वॉरमिर पे स्पेसशिप मिलने के बाद वो ट्रैवल करती है अलग अलग प्लैनेट में, और फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें जो अपकमिंग मूवीज़ है वहाँ पर बताया जाएगा कि नताशा हमारे जिंदा है। तो ये थी एक थियरी। तो उम्मीद है आप लोगों को सुन के मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो अब ये थियरी सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये नहीं सच हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बताया कि मार्वल स्टूडियोज़ झटके देने में एक्सपर्ट है, तो क्या पता सच हो भी जाए। तो वक्त आने पर हमें पता चल ही जाएगा। वैसे ये थियरी था, तो उम्मीद है आप लोग सुन के एंजॉय किए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों में से किस किस को ये थियरी अच्छी लगी है। वैसे अगर आप लोगों के पास कुछ ब्लैक विडो मूवी से रिलेटेड थियरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जो मेरे फैंस हैं वो वीडियो को लाइक करो, और जो हेटर्स हैं वो डिसलाइक करो, और जो दोनों भी नहीं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।